हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑट्रिवीन नसल ड्रॉप के बारे में। इसका फुल रिव्यू करने जा रहे हैं। इसका कंपोजिशन नेम है जाइलोमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड। इसके यूजेज, इसके बेनिफिट्स, इसके साइड इफेक्ट्स, इसके डोजेज, इसके सब्स्टिट्यूट्स, इसके MRP, यह किनके साथ इंट्रैक्शन करता है, किनके साथ कंट्राडिक्शन करता है, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें आपको, ताकि सही जानकारी आपको बिल्कुल मिल सके। चलिए मैं इसके यूजेस की बात करते हैं। जैसा कि आपको अगर परेशानी हो सलेस्मा, साइनस, नाक बंद होना, इन सब सारे स्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। काफ़ी दिनों से यदि आपके नाक बह रहे हों, आपके नाक जाम हो गए होंगे, तो आप जो है इसका प्रयोग करके इससे निजात पा सकते हैं। चलिए हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। जैसे इसका ओवरडोज होने के बाद जो है कुछ समस्याएं देखी जा सकती है, जैसे कि छींकाना, चिड़चिड़ापन होना, बेचैनी का होना, साइनस सूजन होना, एक्सेट्रा तरह की जो है समस्याएँ आ सकती है। यदि ये सब लक्षण दिखे तो आप यूज़ करना उसे जल्द ही बंद कर दें। चलिए हम बात करते हैं ऑट्रिवीन नसल ड्रॉप को बनाने वाली कंपनी का नाम है नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी है। ऑट्रिवीन नसल ड्रॉप के 3 पैक मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से पहला है ऑट्रिवीन पीडियाट्रिक्स। इसका MG 0.05% MG है। ऑट्रिवीन PD जो है ये बच्चों के लिए स्पेशली है, जिसकी कीमत बहुत ही कम 38.80 रुपये के करीब पड़ते हैं। सेकेंड की हम बात करते हैं, सेकेंड है दूसरा ऑट्रिवीन एस नसल स्प्रे, इसकी कीमत 48 रुपये के करीब आती है। थर्ड है ऑट्रिवीन एडल्ट मैंथन नसल स्प्रे, इसका MG 0.1% है, इसकी कीमत 72 रुपीज़ के आसपास पड़ती है। डॉक्टर्स जो है इसे उम्र और ज़रूरत के हिसाब से जो है इसका डोज तय करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सब्स्टिट्यूट की, जिसमें से एक है जाइनोज 0.05%, जो कि जाइडस केडला के द्वारा बनाई गई है। सेकंड है साइनायरिन 0.05%, जो कि एम्बियोटिक लिमिटेड प्राइवेट के द्वारा बनाई गई है। थर्ड है जायोमेट, जो कि ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स LTD के द्वारा बनाई गई है। इन सारे का कंपोजिशन नेम एक ही है, जाइलोमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड, और इनका वर्क भी सेम ही है। आप ऑट्रिवीन के अलावा ये सब जो है आपको किसी भी मेडिकल स्टोर्स में आसानी से उपलब्ध है। आप इन सब उपर्युक्त दवाओं को किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से ले सकते हैं। चलिए हम इंट्रैक्शन की बात करते हैं। जैसा कि बहुत सारी दवाएं होती हैं जो कि शराब के साथ नहीं ली जाती, ये दवाएं जो है शराब के साथ लिया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। चलिए हम इसके कंट्राडिक्शन की बात करते हैं। इनका कुछ बीमारियों के साथ कंट्राडिक्शन है, जो कि डॉक्टर्स जो है इसे एडवाइस करते हैं नहीं लेने के लिए। चलिए उन बीमारियों को हम जानते हैं। उनमें से सर्वोत्तम है डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, हार्ट डिजीज़ के जो पेशेंट हैं, ड्रग एलर्जी, इन लोगों को जो पीड़ित व्यक्ति हैं, इन लोगों को समस्याएं आती है, अतः आप जो है डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार ही इसका उपयोग करें, उसके बाद ही उसका सेवन करें। इसी टाइप की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपके लिए हम नई नई वीडियो लाते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।